जो सवाल है देखिए, कहता है इफ ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री देन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन ए टू द पावर फोर इज इक्वल टू व्हाट एंड ए टू द पावर एट प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए ये प्रीवियस ईयर्स में ये काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको करते कैसे हैं? तो इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल टू सपोज ये है हमारा x, तो इसमें क्या है कि अगर ये हम इसको स्क्वायर करें यानी हम स्क्वायर कर रहे हैं डबल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आप ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर हमसे ये पूछिए a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई हो और कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल होती है ये जो वैल्यू दी हुई है x इसका स्क्वायर माइनस टू। सिमिलरली हमसे फिर कहा जाए कि फिर हमने इसको स्क्वायर के इस ये पूछा जाए a टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन a टू द पावर फोर पूछा जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज तो है प्लस से प्लस ही है बस स्क्वायर हो गया है, यानी ये जो चीज है इसको यानी ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम मान ले y, अगर ये हमारा y है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर और माइनस टू। सिमिलरली अगर ये टू द पावर एट हो गया फिर से स्क्वायर हो गया यानी ये हो गया a टू द पावर एट, a टू द पावर एट प्लस वन अपॉन a टू द पावर एट की वैल्यू पूछे, तो इसको अगर हम z मान लें, इसको अगर हम क्या मान लें z मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस टू, ऐसे होता है ये। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो यहाँ पे है a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल टू थ्री, हमें फाइंड आउट क्या करना है a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या हो गया थ्री का स्क्वायर माइनस टू यानी नाइन माइनस टू यानी ये कितना हो गया सेवन। और अगर हमें ये पूछा जाता a टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन a टू द पावर फोर तो हम क्या करते एग्जाम में जैसे ऐसा दिया रहेगा a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन a टू द पावर फोर, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे आगे इसको निकाल लेंगे, तो ये क्या आ रहा है सेवन, अब ये भी सेवन है और ये क्या है प्लस से प्लस ये तो हो रहा है, तो हम ये इसको क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे सेवन का स्क्वायर माइनस टू यानी कितना हो गया 49 माइनस टू यानी 47। सिमिलरली हमसे अगर डायरेक्ट अगर हमसे ये कहा जाए a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ये निकाल लेंगे स्क्वायर, उसके बाद a टू द पावर 4 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद a टू द पावर 8 निकालेंगे यानी ये 47 का स्क्वायर माइनस टू, ये हमारी वैल्यूज कुछ यू आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल टू अगर हमारा x है तो a स्क्वायर प्लस वन अपॉन x a स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस टू। अब ये कैसे होगा, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला कैसे, आप a प्लस वन अपॉन a का स्क्वायर कीजिए ठीक है, तो ये क्या होगा और ये क्या है, इसको अगर हमने मान लिया x, a प्लस वन अपॉन x a को हमने x मान लिया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर प्लस टू इंटू a इंटू b क्या है वन अपॉन a इज इक्वल टू x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इस a से ये एक कैंसिल हो गया टू इधर चला जाएगा यानी x स्क्वायर माइनस टू।
अब इसी चीज को हमने क्या कर लिया, वाई मान लिया, वाई मान लिया, फिर स्क्वायर करेंगे तो ए टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर फोर आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको अगर हम जेड मान लेंगे फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो ए टू दी पावर एट प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर एट आ जाएगा। इसी में दूसरा टाइप हम देखते हैं, इसी में दूसरा टाइप अगर आपसे कुछ यू पूछा जाए, ये ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री है, पहले तो प्लस था, हम क्या करते हैं यहाँ पे ये माइनस कर ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ऑल दिस थ्री। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल एज इट इज है वैसा ही है, थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ए प्लस वन अपॉन ए था और इसको हमने एक्स माना था, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर वो क्या माना था, क्या क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू। यहाँ क्या था, स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर हुआ है और प्लस से प्लस आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि a माइनस वन अपॉन a इज इक्वल टू एक्स, देन a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है, लेकिन ये क्या है, माइनस से यहाँ क्या है प्लस में आ रहे हैं, हम माइनस से प्लस में आ रहे हैं, ये माइनस वन अपॉन ए से हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर होता था एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। सिमिलरली अब इसको हम अगर y मान लें तो फिर क्या करेंगे आगे, फिर अगर हमें a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ डबल तो हो रहा है, स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन प्लस से प्लस आ रहे हैं, प्लस से प्लस आ रहे थे तो क्या था, x स्क्वायर माइनस 2 था, माइनस करते थे, यानी ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। आपका ध्यान, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, a माइनस वन अपॉन a इज इक्वल टू x, देन a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब पहला निकालेंगे तो माइनस से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ जब दूसरी बार आएंगे तो प्लस से प्लस नहीं तो आ रहे हैं, स्क्वायर भले हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज पहले जैसा रहेगा, यानी ये माइनस टू। फिर उसी प्रकार ए टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 8 करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम z मान ले तो z स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि प्लस से हम प्लस की ओर जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज इसमें बिठा दीजिए, इसकी वैल्यू है a माइनस वन अपॉन a इज इक्वल टू थ्री, तो a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर, आपको बताया था माइनस से प्लस जा रहे हैं, डबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस टू, यानी नाइन प्लस टू कितना हुआ, इलेवन। अब हमको निकालना है a टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्लस से प्लस जा रहे हैं, भले ही डबल हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेवन का स्क्वायर माइनस टू, यानी 121 माइनस टू, यानी कितना हो गया 119। फिर उसके बाद अगर हमको निकालना है ए टू दी पावर 8 प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर, तो क्या होगा, ये फिर प्लस से प्लस आ रहे हैं, स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन साइन प्लस से प्लस आ रहे हैं, तो यानी 119 का स्क्वायर माइनस, ये हमारा इसका कंसेप्ट है। अब हम क्यूब वाले देखेंगे।